तो देखिएगा, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल एक आसान सा टॉपिक है हमारा, और आप सभी उस नाम से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम्स। इंश्योरेंस क्लेम, देखिए इंश्योरेंस शब्द आप सभी जनों ने सुना होगा। देखो क्या होता है, अगर मान लीजिए आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं और आपको ये डर लग रहा है कि यार कहीं हमारे उस बिजनेस में कोई ऐसी मिस हैपनिंग ना हो जाए जिस वजह से हमारा नुकसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे बिजनेस में आग लग जाए तो हमें नुकसान हो जाता है, मान लीजिए अर्थक्वेक के कारण से हमारे बिजनेस में नुकसान हो गया, मान लीजिए थेफ्ट की वजह से हमारा नुकसान हो गया। तो बेसिकली ऐसे नुकसान के डर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली इंश्योरेंस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब होता है कि सामने वाला मुझे इंश्योर करता है कि भैया अगर आपका इस तरह के बिजनेस में कोई भी नुकसान हो जाता है तो हम आपको उस नुकसान के बदले में क्या दे देंगे, क्लेम अमाउंट दे देंगे। तो बेसिकली देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं लिखूं पॉइंट नंबर वन डाल के, तो आप लिखेंगे इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। जो इंश्योरेंस है वो इंडेमिनिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट है, और जानते हैं इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अगर नुकसान होगा तो ही आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्लेम मिलेगा। यानी अगर एक्चुअल नुकसान नहीं हुआ है तो आपको उसका कोई क्लेम अराइज आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, कि भैया अगर मेरे बिल्डिंग में कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है ड्यू टू फायर, ड्यू टू एक्सीडेंट, तो मुझे उस बिल्डिंग का क्लेम मिलेगा। अब मैंने उसका क्या दे दिया, एक प्रीमियम पे कर दिया। आप सभी जानते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस लेंगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मान लो मैं इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते जा रहा हूं तो मुझे कुछ सालों बाद वो पैसा वापस मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने किया है बिल्डिंग का अगेंस्ट द लॉसेस, ये मुझे तभी क्लेम दिलवाएंगे जब उस बिल्डिंग में एक्चुअल लॉस अकर हो जाएगा। अगर एक्चुअल लॉस नहीं होगा तो हमें किसी भी प्रकार के क्लेम को क्या नहीं कर सकते हैं, आगे क्लेम के लिए हम क्लेम एक्सेस अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। जबकि लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो अलग होता है कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया तो अगर मान लीजिए आपका टाइम मैच्योर हो गया और आप जीवित हैं तो आपको उसका पैसा क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो यहां पर हमें जो पढ़ना है वो केवल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए पढ़ना है जो इंडेमिनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के तहत आते हैं, और इसमें भी सर हमारे, हाँ जी तो लाइफ सॉरी मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है तब तो पैसा मिल जाता है ना इसमें ये लाइफ इंश्योरेंस में तो। केवल लाइफ इंश्योरेंस में मिलता है, बाकी किसी भी इंश्योरेंस में नहीं मिलता। बाकी अच्छा इंश्योरेंस में घटना के घटित होने पर ही क्लेम मिलेगा। अगर मैंने मान लीजिए फायर का इंश्योरेंस करवाया तो आग लगेगी तो ही पैसा मिलेगा। सर प्रीमियम हैपनिंग ऑफ इवेंट हो गया ना इसका मतलब, तो हैपनिंग ऑफ अगर वो इवेंट, इवेंट लाइफ में ऐसा नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है कि हैपनिंग ऑफ इवेंट पे ही मिलता है, उसमें आपके जीवित रहने के दौरान भी मिल जाते हैं पॉलिसीज के अकॉर्डिंग।
बट बाकी जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, जो भी एक्सीडेंट, फायर, अर्थक्वेक, जिनके भी इंश्योरेंस हैं, उन सभी में घटना के होने पर ही आप क्या कर सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं। नाउ अब हमारे कोर्स में यहां पर जो क्लेम इंक्लूड है वो केवल और केवल क्लेम ड्यू टू लॉस बाय फायर है, और कोई भी क्लेम हमें यहां पर कंसीडर नहीं करना है हमारे एग्जाम्स के कोर्स में। हाँ बिल्कुल, हमारे एग्जाम में, हमारे जो कोर्स है उसमें जो क्लेम्स इंक्लूड हैं वो ओनली एंड ओनली ड्यू टू फायर है। फायर के अलावा हमें और किसी भी क्लेम को क्या नहीं करना, कंसीडर नहीं करना है। तो लिखें यहां पर पॉइंट नंबर टू, लिखिएगा। इंडेमनिटी मतलब इंडेमनिटी का मतलब होता है कि सामने वाले ने आपको एक गारंटी, एक एश्योरेंस दिया है कि सिक्योरिटी, आपको मिस हैपनिंग हो जाएगी तो आपको क्लेम मिल जाएगा। ओके सर। घटना के होने पर आपको जब मिले उन कॉन्ट्रैक्ट्स को, इंडेमनिटी मतलब होता है एक तरह से क्षतिपूर्ति करना आपको, मतलब क्या करना, आपके लॉसेस को क्या कर देना, बियर कर लेना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लिखेंगे, सर कितने लीव करें? अब देखिए ये तो अकॉर्डिंगली आप 5-7-10-1 पेज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है पिछले क्लास क्वेश्चंस के लिए। लिखें, अच्छा सर, स्कैनर के क्वेश्चन आप कराओगे, मतलब क्लासेस लोगे उसके अलग से? भाई मैंने आपको कहा था, मैंने आपको पूरा करवा दिया है, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मुझे बस वो शीट भेजनी है। अच्छा लिखें, लॉस फ्रॉम फायर इज अनबियरेबल लॉसेस। अनबियरेबल लॉस फॉर ऑल बिजनेस। एंड हेंस ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस ऑल बिजनेस गेट इंश्योर्ड All business get insured against fire. ठीक है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा फायर से कोई भी लॉस होता है तो वो बहुत अनबियरेबल होता है, बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ता है, तो इसलिए जनरली जितने भी बिजनेस होते हैं ऑलमोस्ट वो सभी अपने आप को क्या करते हैं, फायर के अगेंस्ट वो अपने आप का क्या करवा के रखते हैं, इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। सर 100% थोड़ी ना बियर करेगा। एक मिनट, अभी मैंने उसकी तो बात ही नहीं की ना कि कितना करेगा, मैं तो अभी तो केवल ये बता रहा हूं कि अगर आपने, अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपको उसका क्लेम कैसे मिलना है, वही तो हमें सीखना है कि क्लेम कैसे निकाला जाता है, कैसे हम क्लेम की तरफ जाएंगे। 100% भी मिल सकता है और लेस देन 100% भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन योर पॉलिसी कि आपने पॉलिसी किस तरह से ली हुई है, वो सब चर्चाएं मैं करूंगा। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि बिजनेस में आग लगने का नुकसान जो है उसकी रिस्क तो हर व्यक्ति को रहती है, तो ऑलमोस्ट हर बिजनेस अपने आप को क्या करवाता है, उस फायर के अगेंस्ट इंश्योर्ड करवाता है। आओ, लॉस ड्यू टू फायर अफेक्ट असेट्स ऑफ बिजनेस Loss due to fire affect assets of the business as well as
इट ऑल्सो अफेक्ट वर्किंग ऑफ बिजनेस फॉर सम पीरियड. देखिए आग लगने से केवल ऐसा नहीं है कि मेरी वो एग्जिस्टिंग असेट ही डिस्ट्रॉय हुई, बल्कि उस आग लगने का एक इंपैक्ट और होता है कि मैं कुछ समय तक अपना बिजनेस कर भी नहीं पाऊंगा. आप समझ रहे हैं, मान लीजिए एक बिजनेस में आग लग गई तो दोबारा आपको भले ही उसका इंश्योरेंस क्लेम भी मिल गया हो, लेकिन आपको लगता है कि दोबारा उस बिजनेस को आप जब स्टार्ट करोगे तो कुछ समय तो लगेगा. ऐसा तो है नहीं कि आज आग लगी और कल से आप नया बिजनेस चालू कर दोगे, नॉट पॉसिबल. तो अगर आपका फायर की वजह से कोई नुकसान हो रहा है तो ये दो जगह पर इंपैक्ट डालता है. एक तो आपकी बिजनेस की असेट को अफेक्ट करेगा और एज वेल एज कुछ समय के लिए आपके बिजनेस की वर्किंग या बिजनेस के ऑपरेशन पर भी इफेक्ट डालता है. अंडर इंश्योरेंस क्लेम we will discuss only two claims. अब अगर मैं हमारे सिलेबस की बात करूं सिलेबस कंटेंट पर, तो इंश्योरेंस क्लेम में हम केवल यहां पर दो क्लेम्स को डिस्कस करने वाले हैं बस. ए claim for loss of stock by fire. मैं बिल्डिंग के क्लेम की बातें नहीं करूंगा यहां. मैं फर्नीचर का अगर मैंने इंश्योरेंस ले रखा है मैं उसकी बात भी नहीं करूंगा. मैंने अगर प्लांट एंड मशीनरी का क्लेम ले रखा है मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं. मेरे कोर्स में सिर्फ एक चीज का क्लेम इंक्लूड है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय द फायर. मैंने अपना एक प्रोडक्ट बनाकर गोडाउन में रखा हुआ था और आग लग गई. आग लगने की वजह से मेरा वो स्टॉक जल गया. मैं केवल यहां पर उसके क्लेम की बात कर रहा हूं. मेरी बात फिर सुन लेना, क्लेम असेट्स के भी होंगे, क्लेम प्लांट एंड मशीनरी के भी होंगे, बट वी विल नॉट डिस्कस इन अवर कोर्स. हमारे कोर्स में जो इंश्योरेंस क्लेम हम डिस्कस करेंगे, दो बातें याद रख लेना, बार बार कोई बीच में क्वेरी मत लाना. पहली, मैं केवल फायर के लॉस को कवर करूंगा. हमारा कोर्स में केवल लॉस बाय फायर का क्लेम इंक्लूड है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय आपका अर्थक्वेक, लॉस बाय वॉर, कुछ भी क्लेम हमारे पास इंक्लूड नहीं है कोर्स में. और दूसरा, फायर के भी क्लेम में मैं केवल दो ही क्लेम को डिस्कशन करूंगा बस. फायर की वजह से मेरे गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है वो माल अगर डिस्ट्रॉय हो गया, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई, मैं क्लेम की बात नहीं करूंगा. प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई, मैं क्लेम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है. हमें केवल और केवल फायर में भी दो बातें डिस्कस करनी है. एक, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर. आग लग जाने की वजह से आपके गोडाउन में जो माल पड़ा था या आपकी फैक्ट्री में जो माल पड़ा था जहां आग लगी, वो डिस्ट्रॉय हो गया, स्टॉक. और बी, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट बाय फायर. दूसरा मैं डिस्कशन करूंगा मेरे लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में. सर ये क्या होता है एक बार बताएंगे. देखो
जब एक बिजनेस में आग लगी तो मान लीजिए हम उस बिजनेस को 5 महीने तक दोबारा रीस्टार्ट नहीं कर पाए। सोचो अगर आग न लगती तो उन 5 महीनों में भी हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाते या नहीं कमाते अपने बिजनेस से? कमाते। तो आजकल इंश्योरेंस कंपनियां एक और पॉलिसी भी इसके साथ अटैच्ड कर देती हैं और वो होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू द फायर, यानी आग लग जाने की वजह से आप अपना बिजनेस 5 महीने तक या 6 महीने तक रन नहीं कर पाए। उस 6 महीने के दौरान जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे आपका, उसका भी इंश्योरेंस होता है, जिसको हम कहते हैं क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट बाय द फायर। समझ रहे हैं? फायर की वजह से प्रॉफिट का नुकसान का मतलब समझो, आग लगने के बाद मैं जब अपने बिजनेस को रीस्टार्ट करूंगा तो उस दौरान 4 महीने 5 महीने 6 महीने लग जाएंगे, और उस दौरान अगर मैं एज यूजुअल अपना बिजनेस करता तो मैं कुछ प्रॉफिट कमा सकता था। तो आज मैं बात कर रहा हूं कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा कि मुझे एक ऐसी पॉलिसी भी दो कि अगर आग लग जाए तो आने वाले 6 महीने में जब तक मैं अपने बिजनेस को दोबारा से रीस्टार्ट नहीं कर लूंगा तब तक मेरे प्रॉफिट का जो नुकसान मुझे हो जाएगा, आग लगने की वजह से मैं प्रॉफिट भी खो दूंगा, मुझे उसका भी क्लेम यहां पर पड़ना है। तो यानी मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे यहां पर आपको दो ही बातें बतानी है। एक, मैं केवल और केवल डिस्कशन करने वाला हूं लॉस बाय फायर के क्लेम को, और दूसरा अगर मैं लॉस बाय फायर के क्लेम में भी जा रहा हूं तो उसमें भी मैं केवल आपके साथ दो ही बातें डिस्कस करूंगा। आग लगने की वजह से मेरे गोडाउन में जो माल रखा था, मेरे फैक्ट्री प्रमाइसेस में जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, तो मैं उसके लिए क्लेम कैसे निकालूंगा? आप समझे नहीं ना? डिपेंड करेगा आपके एग्जाम में या तो ये आएगा या ये आएगा, मुझे बोलने दो मेरी पूरी बात अभी। और या फिर हम बात करेंगे कि अगर उस बिजनेस में हमारे पास, अगर उस बिजनेस में हमने एक ऐसी पॉलिसी ले रखी है कि भैया हम जितने समय तक अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे दोबारा, उस दौरान जो प्रॉफिट होगा हम उसका क्लेम। ठीक है, तो देखिएगा, डिपेंड ऑन द पर्सन वो कौन कौन से आपके लेता है। जनरली आज मैं अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो पर्सन दोनों ही तरह की पॉलिसी लेता है, बट इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर एक ही क्वेश्चन में आपसे वो दोनों निकलवा देगा तो एटलीस्ट आपको कम से कम 45 से 50 मिनट चाहिए, तो 3 घंटे के पेपर में आपसे 2 क्लेम एक साथ नहीं मांगे जाएंगे, और अगर मांग लिए तो आपकी स्पीड होनी चाहिए। हालांकि आज तक प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं पिछले 25 सालों का, यानी 50 अटेम्प्ट तक, तो बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि दोनों क्लेम मांगे गए हैं, वो भी पुराने सिलेबस में होता था। तो आप ये मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन आएगा या तो लॉस ऑफ स्टॉक के क्लेम का या लॉस ऑफ प्रॉफिट के क्लेम का, बट नो डाउट इन प्रैक्टिकल लाइफ एक बिजनेस अपने आप को दोनों तरीके से इंश्योर करता है। क्यों? क्योंकि अगर आग लगी तो उसका स्टॉक भी जलेगा और उसके प्रॉफिट का भी नुकसान होता। तो मुझे आपको इस चैप्टर में दो बातें सिखानी है। अगर मेरा स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है तो मैं उसके लिए क्लेम कैसे करूंगा, और मैं अपने प्रॉफिट के लिए क्लेम कैसे बात करूंगा। अब देखिएगा, अपन जरा धीरे धीरे से अब मेरी बात को समझेंगे। अपन सबसे पहले, मैं सारा डिस्कशन जो करने वाला हूं वो करने वाला हूं क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक का। तो आइएगा सर। हाँ जी सर, ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है इसमें आपने क्या बताया, एक बार रिपीट करोगे क्या? जितने समय तक मैं बिजनेस रन नहीं कर पाया उस दौरान मुझे प्रॉफिट का नुकसान हो गया, वो नुकसान मैं इंश्योरेंस कंपनी से लूंगा। अच्छा, अगर आग न लगती तो मेरा बिजनेस चलता, बिजनेस चलता तो मैं प्रॉफिट भी कमाता, लेकिन आग लग जाने की वजह से अब मैं वो प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा, तो मैं वो प्रॉफिट फॉरगो कर गया अपना, उस प्रॉफिट का भी मुझे क्लेम चाहिए। क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। Due to fire,
बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझना, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है और लगातार आपके एग्जाम में आ रहा है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। इसको मैं जरा दो सिचुएशन में आपके साथ बात करता हूं। देखो ये है मिस्टर ए, यानी बिजनेस जो कर रहे हैं, बिजनेस ओनर, ठीक है। और ये है इनका गोडाउन, ठीक है। इस गोडाउन में इन्होंने अपना गुड्स रखा हुआ है, जो ये बनाते हैं वो गुड्स इन्होंने ये गोडाउन में रख रखा है। हाँ जी, दीज ऑल आर कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दो ही तरह के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ का मतलब हो गया आपकी लाइफ का इंश्योरेंस, और जनरल इंश्योरेंस का मतलब हो गया बाकी सारे इंश्योरेंस। अब क्या हुआ कि मिस्टर ए के बिजनेस में आग लग गई, आग की लपटें उठ रही हैं। बिजनेस में क्या लग गई? आग लग गई। और आग लगने की वजह से आपके गोडाउन में रखा हुआ माल नष्ट हो गया, लेकिन आपने इन गुड्स के रेस्पेक्ट में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी हुई थी वो बच गई, क्योंकि माल गोडाउन में पड़ा था, बुक्स आप अलग जगह मेंटेन करते थे। तो आग लगी लेकिन रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, यानी गुड्स डिस्ट्रॉयड, बट रिकॉर्ड्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड। रिकॉर्ड्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड। और एक सिचुएशन इस तरह से है, ये मिस्टर ए है ओनर, ये गोडाउन है, यहां इस गोडाउन में आपने यहां तो माल रखा हुआ है, और आपने क्या करते हो, यहीं पर एक टेबल कुर्सी लगा दी और यहां पर एक अकाउंटेंट बैठा रखा है, वो अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। अब क्या हुआ, जब बिजनेस में आग लगी गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स तो डिस्ट्रॉय हुआ ही हुआ, साथ में क्या हो गया, तो रिकॉर्ड्स भी डिस्ट्रॉय, अलोंग विथ रिकॉर्ड्स, अलोंग विथ रिकॉर्ड्स। आग लगने की वजह से माल तो जला ही जला, साथ में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन की हुई थी, जो रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन किए हुए थे, वो भी आपके जल गए। तो मुझे लॉस ऑफ स्टॉक में दो बातें आपके साथ करनी है। पहला, आग लगी गोडाउन में, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ लेकिन रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए, ठीक है। इसका कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा हमारे पास, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई समस्या ही नहीं है। आप समझ रहे हो, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बच गई तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट से मैं पता लगा सकता हूं कि मेरे गोडाउन में कितने रुपए का माल था? Yes, sir. आसानी से पता लग जाएगा ना, आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक निकाल रखे होंगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आपको पता होगा, तो
तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप भैया सीधे से बात अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठाओगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक प्रूफ बनाओगे, उसकी फोटोकॉपी करवाओगे और क्लेम के साथ में इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर दोगे कि भैया ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे गोडाउन में इतनी वैल्यू का माल था। समस्या कब आएगी? जब गुड्स भी जल गया और रिकॉर्ड्स भी जल गए, अब आएगी समस्या। जैया जब हमारे पास अब रिकॉर्ड्स ही मेंटेन नहीं है तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारे गोडाउन में माल कितना था, हम कैसे पता लगाएं कि हमारे गोडाउन में माल कितना था। तो दिक्कत तब है जब गुड्स के साथ साथ हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और हमारे जो कागजात हैं वो भी क्या हो गए, जल गए। देखो अब मेरी बात को सुनना, अगर मान लीजिए हमने रिकॉर्ड्स बचा लिए, हमने रिकॉर्ड्स बचा लिए तो हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड्स में जाओ, रिकॉर्ड्स में जाकर देखो कि डेट ऑफ फायर के दिन आपके गोडाउन में कितना माल बचा था, कितना माल पड़ा हुआ था और उसमें से माइनस कर दो अगर आग लगने के दौरान आपने कुछ माल बचा लिया। भाई देखो ऐसा तो है नहीं ना कि आग लगी और आप खड़े होके ऐसे करोगे आग लग गई आग लग गई, आप कोशिश करोगे कुछ माल बचा लें? यस सर, यस सर, यस सर। इंश्योरेंस हो चाहे नहीं हो, भाई इंश्योरेंस अगर है तो क्या हाँ, सर। आप ऐसे हाथ बांध के देखते रहोगे, ओ हो जल रहा है जल सर। आप कोशिश करोगे ना कि यार कुछ माल अगर गोडाउन से निकाला जा सकता हो तो निकाल लें। तो भाई जो माल आपने बचा लिया क्या उसका क्लेम मिलेगा आपको? नहीं नो सर, नहीं। तो जानते हो फर्स्ट केस में तो मेरा आंसर बहुत सिंपली आ गया कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मेरे गोडाउन में थी उसमें से माइनस कर दो जो माल मैंने बचा लिया, रिमेनिंग जो बचा वो मेरा लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, क्लेम का एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, मैं बोलूंगा एज पर माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अनुसार गोडाउन में इतनी वैल्यू का माल पड़ा हुआ था उसमें से माइनस कर दो इतने का माल मैंने बचा लिया और रिमेनिंग का मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। बात यहां तक क्लियर है? बिल्कुल यस सर। आओ अभी मैं सेकंड पर नहीं फर्स्ट पे ही चर्चा कर रहा हूं, लिखेंगे फिर हम बात करेंगे। अब ये जो मिस्टर ए थे ये इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर इन्होंने बोला कि लो मैं अपने क्लेम का एक स्टेटमेंट ले आया हूं, प्लीज मुझे क्लेम दे दो, प्लीज मुझे क्लेम दे दो। अच्छा जी, इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है रुको एक बार चेक तो करने दो कि तुमने इंश्योरेंस कितना करवाया था। अब यहां पर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मिस्टर ए ने जब इंश्योरेंस करवाया होगा तो एक पॉलिसी ली होगी कि नहीं ली होगी बताओ? यस सर, ली होगी। मान लो इसने जो पॉलिसी ली है उस पॉलिसी की वैल्यू है 4,00,000 रुपए। मेरी बात को फिर बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूं आपने पॉलिसी जो ली है वो 4,00,000 रुपए ली है, पहले तो इसका मीनिंग समझा सकते हो मुझे? इसका मतलब ये हुआ आपने अपने गोडाउन में रखे 4,00,000 रुपए के माल को इंश्योर्ड करवा लिया। आप समझ रहे हो 4,00,000 का पॉलिसी सम है ये मेरा, यानी मैं ये मानता हूं कि मेरे गोडाउन में ऑन एन एवरेज 4,00,000 का माल रहता है तो मैंने उसकी पॉलिसी ले ली। बात को समझना, मैंने जब पॉलिसी ली होगी तो मैंने क्या सोचा होगा, मैंने सोचा होगा कि यार 4,00,000 का माल ऑन एन एवरेज मेरे गोडाउन में रहता है तो 4,00,000 की पॉलिसी ले लेते हैं और अगर कल को माल नष्ट हुआ तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। हाँ जी, रिकॉर्ड नॉट डिस्ट्रॉयड पर ही लिखा है मैंने, आप देखो तो सही, मैं पहुंचा ही नहीं ना विथ डिस्ट्रॉयड विथ रिकॉर्ड पर, तो मैं अभी ऊपर ही वाले पर चर्चा कर रहा हूं। अब क्या हुआ, जब मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठाई तो मुझे ये पता लगा कि आग लगने के दिन मेरे गोडाउन में 6,00,000 का माल पड़ा था।
जब मैंने आग लगने के दिन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया तो मुझे पता लगा गोडाउन में कितना माल था, 6 लाख रुपए। क्या मैंने अपने फुल माल का इंश्योरेंस करवा रखा है या मैंने अपने माल के इंश्योरेंस से, मतलब माल की वैल्यू से कम का इंश्योरेंस ले रखा है? माल की वैल्यू से कम का, इसे कहा जाता है प्रोपोर्शनेट क्लेम अमाउंट। अब मुझे पूरा क्लेम नहीं मिलेगा, आप सोचो क्या इंश्योरेंस वाले मुझे 6 लाख रुपए दे देंगे क्या? नो सर। नो सर। क्यों नहीं देंगे? पॉलिसी नहीं है। तो यहां पर हमारे पास दो पॉइंट आएंगे, यानी केस वन में 2 पॉइंट, केस बी में 2 पॉइंट। अगर रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं लेकिन मैंने अपनी फुल वैल्यू का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है, और दूसरा मैंने अपनी फुल वैल्यू का इंश्योरेंस करवा रखा है, जिसको टेक्निकली एक नाम दिया गया है एवरेज क्लॉज का एप्लीकेबल होना, वो मैं आपको सब लिखवाऊंगा। बस आप केवल अभी मेरी बात को सुनना। ए पॉइंट में मैं बोल रहा हूं मेरे पास रिकॉर्ड्स बचे हुए हैं, रिकॉर्ड्स की वजह से मुझे पता लग गया कि मेरे गोडाउन में कितने का माल था। अब मैं तो क्लेम बनाकर ले गया, लेकिन बात यह आती है कि क्या इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम देगी या नहीं देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी अपने पास एक पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट को चेक करेगी। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि हाँ तुमने अगर अपने पूरे माल का इंश्योरेंस करवा रखा है, हमारा तुम्हारा जितना नुकसान हुआ हम सब दे देंगे, लेकिन अगर तुमने अपनी टोटल वैल्यू का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा तो हम तुम्हें पूरा क्लेम नहीं देंगे, हम तुम्हारे क्लेम को प्रोपोर्शनेट कर देंगे। कैसे करेंगे वो सब हम प्रैक्टिकली आगे सीखेंगे, बट आप मेरी बात को समझना। अगर रिकॉर्ड्स आपके डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं तो आप आसानी से अपने क्लेम का अमाउंट निकाल सकते हैं। समस्या कब आने वाली है? अगर आपके गुड्स के साथ साथ उसके रिकॉर्ड्स भी क्या हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो बोलिए, इस चैप्टर का बेसिक मीनिंग आपको समझ आ गया? इस चैप्टर में हमको क्या करना है? यस सर। दो बातें पढ़नी है, मैं वापस से एक बार बता रहा हूं, दो बातें पढ़नी है। एक, आग लगने की वजह से जो मेरे गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ था उस स्टॉक के लॉस का क्लेम, और दूसरा आग लगने की वजह से जितने समय तक मैं अपना बिजनेस रन नहीं कर पाया उस दौरान होने वाले प्रॉफिट में जो नुकसान हुआ है उसके क्लेम को ढूंढना। बस ये दो क्लेम मुझे यहां पर कैलकुलेट करने होंगे, ये हमारा चैप्टर रहेगा। तो अभी हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में। आग लगने की वजह से हमारे गोडाउन में जो स्टॉक है उसके हम लॉसेस की यहां पर बात करेंगे कि उसके क्लेम की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी।